श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि रोज के दिनचर्या में आप छोटे छोटे परिवर्तन से ग्रहों का बुरा असर कम कर सकते हैं। अपने व्यवहार और दिनचर्या में किया गया एक छोटा सा परिवर्तन भी आपके लिए ज्योतिष उपाय जैसा कारगर साबित होगा। इसे व्यवहारिक ज्योतिष कहा जाता है। हमारे आसपास की हर चीज किसी न किसी ग्रह से प्रभावित होती है। हम उस चीज के प्रति अपना व्यवहार बदलकर उस ग्रह को अपने अनुकूल कर सकते हैं। तो चलिए हम बताते हैं आपको कि किस ग्रह के बुरे परिणाम को कम करने के लिए क्या किया जाए। जैसे मंगल भाई का कारक ग्रह है, उसकी कृपा चाहिए तो अपने भाइयों से प्यार व सम्मान का रिश्ता रखें, इससे मंगल के दोष दूर होंगे। कुंडली के ग्रहों की स्थिति का जीवन के सुख दुख पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि आप भी कुंडली के अशुभ ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव से पीड़ित हैं तो आप ये सब उपाय अपना सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली के खराब ग्रहों को ठीक करने के लिए कोई बड़े उपाय, पूजन पाठ वगैरह नहीं कर पा रहे हैं तो भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ज्योतिष में ऐसे कई उपाय हैं जो आप अपने व्यवहारिक जीवन में कर सकते हैं। बस आपको अपनी कुछ आदतों और स्वभाव को बदलना होगा। जैसे शुक्र का उपाय है, शुक्र पत्नी का कारक ग्रह है। अगर आप पति से विवाद करते हैं, अपशब्द कहते हैं, तो इससे आपके तन और धन दोनों की हानि होगी। फिर है शनि का उपाय। किसी भी अधीनस्थ कर्मचारी से सम्मानपूर्वक काम करवाने और समय पर वेतन देने से शनि के शुभ फल प्रदान होते हैं। घूमने और व्यायाम से शनि का प्रभाव कम होता है, मंगल का बल बढ़ता है। पसीने में शनि का कारक नमक शरीर से बाहर जाता है। फिर चंद्रमा और सूर्य के उपाय। चंद्रमा माता और सूर्य पिता के कारक ग्रह होते हैं। माता पिता की सेवा सम्मान से आप जीवन भर सूर्य चंद्रमा की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। बिखरे हुए नोट रखने से अनावश्यक खर्च होता है। नोटों को इस प्रकार रखें कि सभी का एक हिस्सा एक तरफ हो और बड़े नोट और छोटे नोट क्रम में जमे हुए हों। बीमारी ठीक होने के बाद यदि बची हुई दवाइयाँ घर में अस्त-व्यस्त रखी है तो फिर बीमारी करती है, इसलिए दवाइयों को हमेशा डब्बे में रखें। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।